भारत में पहली बार जो है क्रिकेट मैदान में खेला जा रहा है, लेकिन एक अद्भुत तरीके से। यहाँ पर क्रिकेट तो हो रहा है, लेकिन प्लेयर जो है वो संस्कृत विद्यालय के छात्र हैं, और जो प्लेयर यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं वो धोती कुर्ता, और जो कमेंट्री होगी वो संस्कृत में होगी। आइए बात करते हैं प्रचार से, जो संस्कृत विद्यालय के प्रचार जो है उनसे बात करते हैं। सर क्या कैसा खेला जाएगा ये? वास्तव में है तो क्रिकेट का ही खेल, लेकिन संस्कृत भाषा पढ़ने वाले लोग ये ना समझें कि हम किसी भी चीज़ से दूर हैं। इसमें हमारे जिला अधिकारी महोदय जी का बड़ा ही संरक्षण है कि संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार आधुनिकता में भी उसकी खोज के लिए हम लोग किस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए ये आयोजन निश्चित रूप से प्रत्येक छात्र। मेरे ख्याल से ये पहली बार जो क्रिकेट हो रहा है मैदान में, अब तक जो दर्शकों ने हमारे देखा होगा कि कमेंट्री इंग्लिश और हिंदी में होती थी, लेकिन लगता पहली बार जो है संस्कृत में होने जा रही है। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा जो देश है खोया हुआ गौरव, जो मूल भाषा संस्कृत थी, इससे हो सकता है कि पुनः हम लोग उस ओर लौटे, संस्कृत के प्रति प्रेम भाव, सद्भाव और संस्कृत के प्रति प्रेम बढ़े। ये जो मैच हो रहा है किन किन विद्यालयों के? ये हमीरपुर के श्री भुवनेश्वरी महेश्वरानंद गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय झलोखर हमीरपुर और जालौन संस्कृत महाविद्यालय के बीच में खेला। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य केवल यही है कि संस्कृत के प्रति लोगों का जागरण हो, सद्भावना हो, संस्कृत विषय में लोगों को कहाँ कहाँ संभावना है, कहीं संस्कृत का छात्र अपने को पीछे न समझे। और ये वास्तव में कल्प हमीर महोत्सव 2023 200 वर्ष पूर्ण होने पे हमारे जिला अधिकारी पूरे वर्ष कार्यक्रम मनाने का जो निर्णय लिया है उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम। जी बिल्कुल, चूंकि आधुनिकता के दौर में हिंदी और अंग्रेजी, खासतौर से इंग्लिश को बोलने को लोग बहुत अच्छा कल्चर समझते हैं, लेकिन आज हमीरपुर जनपद में संस्कृत द्वारा मैच कमेंट्री कर, संस्कृत के विद्यालयों छात्रों द्वारा मैच खेलकर एक मिसाइल काम कर रहे हैं। रविंद्र निगम, News24 हमीरपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।